नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज शुरू की है 2020 के लिए, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी पर्वत श्रृंखलाएं, जिसका पार्ट टू आज लेकर आया हूं मैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्वत शिखरों के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कुल्लू और चंबा के पर्वत शिखरों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कंपिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो होने वाली है, जो भी कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, जिला कुल्लू के पर्वत शिखरों की भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर्वत शिखर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई भी दी हुई है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो घटता हुआ क्रम है, ताकि आप जो है इसे इजीली याद रख सके, आपको याद रखने में आसानी हो और आप जो है भूल ना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो कुल्लू का पर्वत शिखर है वो डिब्बी बोकरी है, ठीक है। और सबसे बड़ा पर्वत शिखर है दोस्तों ये, कुल्लू जिले का सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो कौन सा है, डिब्बी बोकरी, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है। तो डिब्बी बोकरी आप याद रखिए, ये सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर है, ठीक है, जिला कुल्लू का। उसके बाद दोस्तों आपके पास रहता है इंद्रासन, ठीक है। इंद्रासन आपका रहता है 6,220 मीटर, ठीक है, 6,220 मीटर की ऊंचाई पर है ये भी, और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर है कुल्लू का। इसके अलावा दियो टिब्बा की बात कर लेते हैं, दियो टिब्बा की ऊंचाई जो है वो 6,001 है। सोलांग की बात करते हैं तो सोलांग की जो रहेगी ऊंचाई वो 5,975 रहेगी। मेवा कांदिनू की बात करते हैं, मेवा कांदिनू की रहेगी 5,944। परांगला, उसके बाद आता है आपका परांगला, ठीक है। परांगला के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है, 5,579 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। उमाशिला भी कुल्लू में है, तो उमाशिला की बात कर लेते तो उमाशिला रहता है 5,294 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। शीतिधार उसके बाद आता है, शीतिधार रहता है 5,290 मीटर की ऊंचाई पर। फिर श्रीखंड आता है आपका, श्रीखंड जो आप श्रीखंड, ठीक है, ये आप देख सकते हो 5,182 मीटर की ऊंचाई पर है, जो श्रीखंड महादेव का मंदिर जो आप सुना ही होगा आपने, वही 5,182 मीटर की ऊंचाई पर है। इंद्र किला भी आता है यहाँ पर, इंद्र किला जो है 4,940 मीटर की ऊंचाई पर है। पिंड पार्वती उसके बाद आता है 4,800, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिंड पार्वती, ठीक है, काफी ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है पिंड पार्वती, तो ये आप याद रखिए 4,800 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये आप याद रखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पर्वत शिखर है कुल्लू में। पंतालसू उसके बाद आता है दोस्तों, पंतालसू की बात करें तो 4,470 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद साचा आता है, साचा पर्वत शिखर की बात करें तो 3,540 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने ही जो पर्वत हैं वो पाए जाते हैं कुल्लू जिला में है, ठीक है, पर्वत शिखर इतने हैं, ठीक है, जिसकी मैंने आपको ऊंचाई भी बता दी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इस चीज का, ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आपको जो है याद रखने में आसानी हो सके, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी हम जो चंबा के पर्वत शिखर है, ठीक है। चंबा में दोस्तों ज्यादा पर्वत शिखर की बात करते हैं हम, तो चंबा का जो सबसे बड़ा पर्वत शिखर है वो पीर पंजाल है, ठीक है। और पीर पंजाल आपको पता ही है दोस्तों, जो मध्य हिमाचल है हमारे पास, ठीक है, मध्य हिमाचल है उसमें आता है पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है मध्य हिमाचल में, ठीक है, मध्य हिमालय में सबसे बड़ा जो है वो आपका रहता है पीर पंजाल, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 5,972 मीटर, ठीक है। बाकी जो ऊंचे हिमालय में है उसमें तो शिला चोटी रहेगी आपकी, और जास्कर जो पर्वत श्रृंखला रहती है वो सब कुछ आ जाती है, ठीक है, बट मध्य हिमालय की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पीर पंजाल सबसे बड़ा रहता है, ऊंचाई 5,972 मीटर, ठीक है, ये आप याद रखिए, और ये चंबा जिला में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्य हिमालय में जो है धौलाधार भी पाया जाता है, ठीक है, धौलाधार आपका कांगड़ा में रहेगा, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। बड़ा खड़ा की बात करते हैं तो बड़ा खड़ा आपका रहता है 5,860 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब 5,860 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये रहता है बड़ा खड़ा पर्वत शिखर है, ये ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंबा का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं आप पीर पंजाल के साथ लगता हुआ ही है, ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है इसकी ऊंचाई में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। इसके अलावा जो कैलाश पर्वत है दोस्तों 5,660 मीटर है, कैलाश पर्वत आप जानते ही हैं, ठीक है, यहाँ पर मणिमहेश यात्रा जो होती है कैलाश पर्वत के लिए, तो ये 5,660 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भी चंबा में पाया जाता है। उसके बाद गौरी देवी का टिब्बा, और ये भी काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा, ठीक है, किस जिले में है, किस जिले में, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा क्या है, ठीक है, ऑप्शन में आपको पर्वत श्रृंखला शिखर दे दिया जाता है, ठीक है, आपको दर्रा दे दिया जाता है, इस तरह का ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपको चुनना होता है। तो याद रखिए गौरी
काली देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा जो है वो पर्वत शिखर है चंबा जिला के, ठीक है। 3730 जो मीटर है वो नरसिंह टिब्बा की ऊंचाई है, और गौरी देवी टिब्बा की बात करें तो 4030 जो है गौरी देवी टिब्बा की ऊंचाई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। चंबा जिला की हमने बात की, चंबा जिला में हमने पीर पंजाल की बात की, बड़ा खड़ा की बात की, कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत, गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा और पीर पंजाल जो है 5972 मीटर की ऊंचाई पर है, बड़ा खड़ा 5860 मीटर की ऊंचाई पर है, कैलाश पर्वत 5660 मीटर की ऊंचाई पर है, गौरी देवी का टिब्बा 4030 की ऊंचाई पर है, नरसिंह टिब्बा जो है 3730 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत शिखर जो है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुल्लू में बात कर लेते हैं, तो कुल्लू में कौन कौन से पर्वत हैं हमने डिस्कस किया, डीबी बोकरी सबसे बड़ा है कुल्लू का, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो डीबी बोकरी है कुल्लू का। इसके अलावा हमने इंद्रासन की बात की, दियो टिब्बा, सोलांग, मेवा कांदीनू, ठीक है, पारांगला, उमाशिला, शीतिधार, श्रीखंड, इंद्र किला, पिन पार्वती, पतालसू, साचा और पिन पार्वती जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ में इसकी ऊंचाइयों की हमने बात की, ऊंचाइयों के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमने आज जो है तो ये सब कुछ डिस्कस किया दो जिलों के बारे में दोस्तों, और मेनली दोस्तों यहीं से पूछे जाते हैं आपसे जो जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के हैं और कुल्लू और चंबा के हैं, यही पर्वत श्रृंखलाएं जो आपसे पूछी जाती है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया हमारी पिछली वीडियो का, चाहे आप वो भी देख सकते हो, वो भी हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम हिमाचल जीके का जो सीरीज चली हुई हमारी वो हम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।